इस वाले ब्रश से दूध पिला रहे हो इस वाले ब्रश से, तो फिर आपका जो बच्चा है इस बार आप वीडियो में जानेंगे टॉप 10 ऐसी चीज़ें जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करेगी और सही लैच में आपको हेल्प करेगी, जो कि ना बहुत सारे मदर्स गलतियां करते हैं, छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हैं, वो सारे चीज़ें मैं रेक्टिफाई करूंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। हाय गाइस, मैं हूं प्रीति और आप सभी का पीहू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रेस्टफीडिंग इम्प्रूव करने के लिए सही लैच होना चाहिए जिसको आपको इम्प्रूव करना है। टाइम पे ना कुछ तीन प्रॉब्लम ना बच्चे फेस करते हैं, जैसे कि ये जो नीचे का होट है ना वो अंदर की तरफ करके लैच करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर लैचिंग नहीं होती। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री से ज़्यादा बच्चा ने मुंह खोलना चाहिए, ताकि आपका जो पूरा निप्पल और निप्पल के पीछे का जो ब्लैक पार्ट है ना वो जा सके। नंबर 3 आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप बच्चे को लैच के लिए लेना तो बच्चे का जो पेट है ना आपके पेट से टच होना चाहिए। जैसे कि आप इस वाले ब्रश से पी ला रहे हो तो आपका बच्चे का जो पूरा बॉडी है आपके इस तरफ से टच होना चाहिए, और बच्चे का सर जो है आप पकड़ना नहीं है, बच्चे का सर ये गर्दन पकड़नी है आपको, जिसकी वजह से बच्चे को हिलने में तकलीफ़ नहीं होगी और अच्छे से वो लैच कर पाएगा अपने आपके ब्रेस्ट से। जैसे कि आप है ना जब पानी पीते हैं तो इस तरह से नहीं पीते, आप ऊपर मुंडी रख के ही पीते हो, वैसे अगर आप गर्दन पकड़ोगे ना तो वो अपना सिर अच्छे से हिला सकेगा। अगर आप सर को पकड़ के पिलाओगे तो वो है ना उसको डिफ़िकल्टी होगी पीने में। चीज़ आपको है ना अलग अलग पोजीशन एक्सप्लोर करना चाहिए अपने बच्चे के साथ, अलग अलग तरीके से मिल्क पिलाना चाहिए, इससे ना बच्चे को भी एक्साइटमेंट होगी अलग पोजीशन की और उसे आदत हो जाएगी। अगर आपको सो के पिलाना है तो सो के एक बार ट्राई कीजिए, बैठ के पिलाना है तो बैठ के पिलाइए, फुटबॉल पोजीशन इस्तेमाल करना तो फुटबॉल पोजीशन इस्तेमाल कीजिए। सारे पोजीशन ट्राई करेंगे ना तो फिर जब बच्चा नहीं पी रहा होगा तो आप दूसरा पोजीशन ट्राई करेंगे तो वो उसमें पी लेता है। पॉइंट, मदर को हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ध्यान में रखनी है कि नेवर गिव अप माइंडसेट से रहना चाहिए कि नहीं गिव अप नहीं करना है, बच्चे को फीड कराना है, लैच सिखाना है, खुद सीखना है। थिंग अगर आप ना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बैठने वाले हैं तो एक ग्लास गुनगुना पानी पी लीजिए, फिर उसके बाद ब्रेस्ट फीड करवाइए। अगर इसके दौरान भी आपको प्यास लगती है तो पी सकते हैं, पर आपको एक ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने से पहले एक ग्लास गुनगुना पानी ज़रूर पीना है, और ब्रेस्ट फीड ख़त्म होने के बाद भी पीना है। ये प्रोसेस जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ तब तक आपको यूज़ करनी है। पॉइंट, अगर आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है सही से नहीं हो पा रहा है, मतलब ब्रेस्ट मिल्क सही से नहीं आ पा रहा है, तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग से पहले ना अपने ब्रेस्ट को अच्छे से गर्म पानी से सेक दे, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। पॉइंट नंबर 8, आपको अवेयर रहना है कि किस तरह से आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो सही से नहीं हो रहा है और उसे ठीक कैसे करें, किस तरह से सर्च करें, किस से कॉन्टैक्ट करें, इससे है ना आपको है ना सीखने में जानकारी मिलेगी और प्लस आपका लैच भी सही होगा, बच्चा भी हेल्दी रहता है इसमें क्योंकि अच्छे से फीड ले पाता है अगर आपका लैच सही है तो। पॉइंट नंबर 9, अपने सप्लीमेंट्स कभी मिस नहीं करना है। जब तक आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं ना तो आपको है ना आयरन और कैल्शियम के जो सप्लीमेंट आपके डॉक्टर ने दिया है वो हमेशा लेना है। कभी कभी क्या होता है कि आप है ना ये सब नहीं लेते और आपके अंदर ही डिफिशिएंसी शुरू होने लगती है। नंबर 10, एक है ना टीम बनाइए। अगर आप है ना अकेले काम करेंगे ना तो मदरहुड और ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। आप टीम बनाएंगे जैसे कि आपके हस्बैंड हो गए, इन लॉज हो गया, या फिर डॉक्टर हो गया, आप लैक्टेशन कंसर्न हो गया, जिससे आप ना अपने नॉलेज इन्हेंस कर सकते हो लैक्टेशन के ऊपर, वो सब एज अ टीम के तरह आप काम कीजिए तो फिर आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है और लैचिंग जर्नी है वो सही से हो जाएगी। आज का जो वीडियो है यहीं तक था, होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयू प्रिंस, यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।